मैं जहाँ पर हूँ उस जगह का नाम है मोसिन आइलैंड। हेलो बउड़े, सो काफ़ी टाइम से जर्नी करके अभी आके पहुँचा हूँ मौसिनी आइलैंड में। तो ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा क्योंकि भूख भी लगा है और अभी दोपहर का 3 बजने वाला है। सो खाना खाते हैं फिर। सो फिलहाल जिस कैंप में था तो वहाँ से थोड़ा बाहर आके देखा तो यहाँ पर कुछ क्रिकेट जैसा कुछ खेल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैंप है और दिस इज़ द बीच। यहाँ पर एक देख रहे हो जो भी है बोट जा रहा है यहाँ से दूसरी तरफ। सूजी मामा इज़ द हेयर ऑलवेज एंड थोड़ा पानी कम है, बाद में थोड़ा आ जाएगा। सो लंच खाके हुए बहुत टाइम हो गया है, थोड़ा अभी मतलब थोड़ा पेट का प्रॉब्लम है तो अभी थोड़ा जाएंगे बाथरूम डायरेक्ट। और अभी तो देख रहे हो पीछे जो व्यू है। One hour later. The next day. So this is breakfast time. So breakfast is here. So अभी breakfast खा के थोड़ा आजू बाजू घूमने जाएंगे। So let's see. तो फाइनली दिस इज़ माई रूम या कॉटेज जो भी कह सकते हो। तो बाद में अंदर जाऊँगा, फिलहाल जाएंगे स्विमिंग पूल में, सॉरी समुद्र के किनारे। दिस टाइम आई विल स्टे बाई जलपुरी कैंप एंड ये है मेरा कॉटेज। इसका प्राइस है 1300 रुपये 1300 और यहाँ पर बहुत सारा कैंप है वो भी 900 के आसपास। और एसी रूम भी है, उसका कॉस्ट है 1800 मतलब 1800 रुपये। तो फिलहाल मैं कोकोनट वाटर का मज़ा ले रहा हूँ तो आप तब तक के लिए मेरा वीडियो का मज़ा लीजिए। सो अभी जाएंगे बीच पे, थोड़ा खेलेंगे कूदेंगे। सो लेट्स एंजॉय कम। सो इट्स द मॉर्निंग। तो अभी पानी के कठे आ गया हूँ मैं, तो इंजन में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन गर्मी भी बहुत है, जैसे कि धूप बहुत निकल गया है। सो दोपहर को अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 1:30 बजने वाला है। सो इंजॉयमेंट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो अभी कोशिश करेंगे और फिर थोड़ी देर यहाँ पर रहने का। और अभी तो पानी यहाँ पर है, इवनिंग होते होते पानी थोड़ा नीचे नम जाएगा। तो ठीक है चलते उस साइड पे। सो दिस साइड मेरा कैंप है जलपुरी कैंप और दिस साइड मौसिनी आइलैंड, मतलब हर तरफ पानी और पानी, पानी का कमी नहीं है यहाँ पर। और
जो बात है यहाँ पर मछली आ गया था अभी पैर के नीचे। सो यहाँ का बहुत ही फेमस दही, मिष्टी दही, बहुत ही मतलब क्या बताओ, अगर एक बार नहीं चखा तो कुछ नहीं चखा। हम लोग को वहाँ पर भी मिलता है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है, ये कुछ ज़्यादा मीठा और बहुत ही अच्छा है, स्वादिष्ट है। सो फिलहाल इसका मज़ा लेते हैं। तो काफ़ी समय हो गया, पानी भी थोड़ा कम हो गया यहाँ से, करीब 30 मिनट्स हो गया। यहाँ पर आया था नया मतलब बाथिंग द सन, फिर अभी थोड़ा टहलने निकला हुआ हूँ, चलेंगे। लेकिन जो धूप है बहुत ही तेज़ है, पता नहीं क्यों लेकिन तेज है। चारों तरफ यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारा कैंप है, बीच जो है बहुत ही क्लीन है, ऐसा कोई गंदा कुछ नहीं है मतलब। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो फिलहाल चलते हैं थोड़ा टहलने, गो। So after long time, this lunch is here. So this fish, हमने मुझको नहीं मालूम, आलू भाजा, राइस, दाल। सो बहुत भूख लग गया है, तो आप पहले खाना खाते हैं फिर। सो हेलो बाउरे, तो लंच कंप्लीट करके तो थोड़ा एक मतलब बहुत ही अच्छा एक प्लान बनाया, अभी लॉन्च में उठेंगे, उठ के जाएंगे जम्बू द्वीप कह के कोई यहाँ पर प्लेस है, तो वहाँ पर जाएंगे थोड़ेंगे। सो लॉन्च वहाँ पर खड़ा है, सो वेरी एक्साइटेड हूँ। फिलहाल टिकट काटने जाएंगे 2250 मतलब 250 करके एक टिकट है, तो थोड़ा घूम के आते हैं। सो अभी सूरज जो है डूबने वाला है और पानी बहुत कम हो गया है यहाँ से, और जम्बू द्वीप शायद उस साइड पे है, दिस साइड। तो चले चलते हैं, आप लोग तो है ही साथ में। सो लेट्स गो। करीब 600 या 700 मीटर होगा जलफरिंग कैंप से, तो यहाँ पर एक मैनग्रोव अरण्य बोल के कुछ है यहाँ पर, मतलब फॉरेस्ट टाइप का, तो वहाँ पर मतलब जाएंगे। और जो हम लोगों का जो जम्मू द्वीप का जो ट्रिप था, मतलब जो बोट में जाना चाहते थे, वो कैंसिल हो गया, क्योंकि वो लोग ने बोला अगर 15 लोग नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ 8 जन ही हैं, इसलिए हो नहीं सकता। इसलिए अभी जाएंगे मैनग्रोव अरण्य में, तो कम। सो जैसे कि फिलहाल जो पीछे है मतलब वो है जम्मू द्वीप, और इस साइड पे है मैनग्रोव अरण्य, जो ए वाला है, ये है मैनग्रोव अरण्य और ये है जम्मू द्वीप। लेकिन बहुत ही तकलीफ हो गया है, जम्मू द्वीप जाने के बहुत इच्छा था लेकिन वो कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, फिलहाल चलते हैं मैनग्रोव अरण्य। सो लेट्स गो। सो दिस इज मैनग्रोव अरण्य, वो भी है, पानी ना होने की वजह से यहाँ पर मिट्टी जो है वो चकनाचूर हो गया है, तो कोई बात नहीं, और भी नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे, फिलहाल चलते हैं नज़दीक। सो इज़ द गुड इवनिंग। सो अभी हम
प्ले द क्रैम खेल रहे हैं। कैरम खेलने के बाद थोड़ा चाय में पियेंगे और जैसे भी मतलब बहुत टाइम हो गया, कल बाबा से घर भी जाना है, सो लेट्स एंजॉय थोड़ा। ठीक है baby, you give me ice and fire, you giving me wind and rain, you're some kind of butterfly, baby you give me feel lighter, you whip up my appetite, don't leave me here high and dry, oh. So जैसे कि थोड़ा टहलते टहलते थोड़ा दूर आ गया हूँ, ये सब भी कैंप है और यहाँ पर पानी है लेकिन अंधेरे के वजह से दिखा नहीं देगा, तो चलते चलते यूं ही गुजर जाएंगे रास्ते, फिलहाल चलते चलते ऐसे ही।